एक और अहम खबर है दर्शकों के लिए, वो भी बता देते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए सरकार अब एक नया डिजास्टर सेस लाने की तैयारी कर रही है। जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। केरल में आई भीषण बाढ़ के बाद इस सेस को लगाने का विचार आया है। केरल ने ही एसजीएसटी पर डिजास्टर का प्रस्ताव दिया था। प्रकाश, इस पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, बताइए कि क्या इसमें कोई कानूनी अड़चन है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले जी बिजनेस ने 25 सितंबर को यह खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को, जिसमें अहम बात यह है कि जैसा कि हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अटॉर्नी जनरल ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें यह कहा है कि अगर डिजास्टर सेस के रूप में अगर इस तरह के सेस लगाए जाते हैं तो इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। लिहाजा अगर काउंसिल चाहती है कि अगर अलग से एक सेस लगाकर और इस पैसे का इस्तेमाल जो है किसी राज्य में या दूसरे राज्यों में रिलीफ फंड के तौर पे इसका किया जाए तो ऐसा कर सकती है। ये प्रस्ताव केरल ने दिया है। केरल में जो बाढ़ आई है और जिससे नुकसान हुआ है, तो केरल ने प्रस्ताव दिया है कि काउंसिल इस बात की इजाज़त दे कि जो एसजीएसटी है उस पर वो करीब करीब 10% का सेस लगाना चाहती है। लिहाजा इस मसले पे भी कल होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इस लिहाज से चर्चा होगी कि क्या जो सेस लगाए जाएंगे वो पूरे देश में लगाए जाएं और एक सेपरेट फंड बने, उस फंड का इस्तेमाल चाहे किसी भी राज्य में प्राकृतिक आपदा आए उसको आर्थिक सहायता देने के तौर पे किया जाए, या फिर शुरुआत में इसे सिर्फ केरल के लिए लगाया जाए और बाद में फिर दूसरे राज्यों पर लागू किया जाए, इस मैकेनिज्म पर विचार होगा। यह भी होगा कि आखिर सेस का परसेंटेज कितना हो, किन किन प्रोडक्ट्स पे हो, क्या हर तरह के प्रोडक्ट्स पे इसको लगाया जाए। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी और काउंसिल के मेंबर्स के बीच में सहमति बनाने की कोशिश होगी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो। बिल्कुल, शुक्रिया प्रकाश प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।